हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगेन कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो एचसी वर्मा के बुक से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम देखेंगे। अच्छा है ना, तो देखो और बुक्स में क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस या यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और एचसी वर्मा के बुक में जब आप इस चैप्टर को देखोगे, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या रखा गया है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ये किसमें है, एच सी वर्मा का बुक में, एच सी बी है ना, ठीक है। तो इसमें हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। इस बुक में दो तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक जो है सिंगल करेक्ट ऑप्शन जिसको ऑब्जेक्टिव फर्स्ट नाम दिया गया है इस बुक में, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में क्या है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, आई मीन एक ही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप टू, आई मीन ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, आई मीन जिसमें क्या होगा, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होंगे, आई मीन एक ही ऑप्शन क्या होगा, ऑल आउट ऑफ फोर ओनली वन ऑप्शन विल बी क्या होगा, करेक्ट। ऑब्जेक्टिव सेकंड में जो दिया हुआ है उसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस, आई मीन मोर देन वन क्या होगा, मोर देन वन ऑप्शन क्या होगा, मे और मे नॉट बी ट्रू, है ना, ठीक है। तो जब हम सेकंड ऑब्जेक्टिव सेकंड देखेंगे तो उसमें ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का आई मीन एक ऑप्शन यदि मैच हो गया तो हम डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे, नहीं, हम ऑल जो फोर पॉसिबल ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, उसको हम ऑल वे से क्या करेंगे, सोचेंगे और फिर जो करेक्ट होगा, इट में भी एक करेक्ट हो सकता है, इट में भी ऑल भी करेक्ट हो सकता है, इट में भी टू करेक्ट हो सकता है, इट में भी थ्री करेक्ट हो सकता है। तो जब भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आई मीन मोर देन वन ऑप्शंस दिए हुए हो, सॉरी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांस में पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता है, मेंस में कभी नहीं पूछा जाता है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन, है ना। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो है वो क्या है, मेंस से रिलेटेड है, और ऑब्जेक्टिव सेकंड जो है वो क्या है, एडवांस से रिलेटेड है। आई मीन इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द जेई एडवांस देन यू मस्ट सॉल्व ऑब्जेक्टिव सेकंड, है ना, और वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव सेकंड का जो मतलब खासियत क्या है कि जस्ट क्या है, जैसे आप ऑब्जेक्टिव फर्स्ट को आप इवन 2020 क्रिकेट की तरह सोच सकते हैं, 20 क्रिकेट का मतलब क्या हुआ कि आप टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं है, है ना, फिर भी आप जा करके आपको क्या करना है, थ्री ओवर फोर ओवर्स या सिक्स ओवर्स क्रिकेट प्ले करना है, तो आराम से चौके छक्के आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन आई मीन क्या है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो है क्या है कि आपको यदि रिजल्ट याद है और थोड़ा सा आप माइंड यूज करोगे तो आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। लेकिन ऑब्जेक्टिव सेकंड जो है वो क्या है, जस्ट टेस्ट क्रिकेट की तरह है, टेस्ट क्रिकेट आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है कि वही बैट्समैन सर्वाइव करता है जो टेक्निकली स्ट्रांग होता है ना, टेक्निकली जो स्ट्रांग होता है वही सर्वाइव कर सकता है ना। उसी तरह जो ऑब्जेक्टिव सेकंड जो है उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको माइंड बहुत अच्छे से क्या करना है, यूज करना है। ये कभी मत समझो कि ऑब्जेक्टिव फर्स्ट नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव सेकंड नहीं होगा, हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप ट्राई करो, है ना। कंटिन्यूअस आप यदि किसी चीज़ को ट्राई करते हो तो आप ऑटोमेटिक क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आइंस्टीन का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था कि ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा आप कितना इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट वही होता है जो किसी भी प्रॉब्लम के साथ क्या होता है, ज़्यादा टाइम क्या करता है, व्यतीत करता है, मीन ज़्यादा टाइम क्या होता है उस प्रॉब्लम के साथ क्या होता है, एसोसिएट रहता है। आप रियल लाइफ में भी ऐसे सोच सकते हैं कि कई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हम 2, 3, 4, 5 डेज सोचते रहते हैं उसके बारे में कि नहीं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। उसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का भी प्रॉब्लम है, यदि आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ऐसे मत सोचो कि अरे नहीं मुझे अभी ही आंसर लाना है, आंसर लाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझें और समझ करके आंसर लाएं, है ना। नहीं आता है जाने दो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन, हाँ उससे के साथ लगे रहो, उसको सोचते रहो, ऑटोमेटिक क्या होगा आफ्टर 2-3 डेज यदि आप नहीं सोचोगे उससे, उसका आंसर भी नहीं आ रहा है, इतना सोचने के बाद भी, इतने टाइम आपको उस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट होने के बाद भी आप यदि प्रॉब्लम का आंसर नहीं ढूंढ पाते हो तभी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, है ना। क्यों, क्योंकि जब आप उस इतने टाइम जब आप उस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट रहे हैं तो आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली है कि नहीं अरे यार ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं, है ना। कि एडवांस में क्या है कि जब आपके सामने फोर ऑप्शन दिए हुए हों तो ऐसे लगे कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है,
उस आउट ऑफ फोर ऑप्शंस में मुझे सभी ऑप्शन को जज करना रहता है, और फिर क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन जो है उसको क्या करना रहता है, मार्क्स करने रहते हैं, मार्क करना रहता है। तो ये ध्यान देना है, पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव वन सॉल्व करेंगे, और फिर क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, और फिर इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। एक्सरसाइज में ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जितना आज के लेक्चर में पॉसिबल होगा उतना एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं एचसी वर्मा में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप भी यदि सॉल्व कर रहे हो एचसी वर्मा, तो आप खुद से भी देखो कि जो डाउट हो आप भेज सकते हो, है ना। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक किसी ने एक भी डाउट, मुझे लगता है 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़ करके अभी तक किसी ने एक भी डाउट नहीं पूछा। पता नहीं वो जेई का तैयारी कर रहा है, आप लोग जेई का तैयारी कर रहे हो फिर भी आपको लगता है कि नहीं फिजिक्स देखना ही नहीं है, तो ये भी याद रखना कि बिना फिजिक्स का जेई क्लियर नहीं हो सकता है। मेंस में तुम स्कोर कर सकते हो, लेकिन जब एडवांस के लिए जाओगे तो विदाउट फिजिक्स वी कांट बी एबल्ड। तुम सोचो विदाउट फिजिक्स कैसे तुम इंजीनियर बन सकते हो, ये थोड़ा सा इमेजिन करना कि बिना फिजिक्स का हम इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तुम लोगों का। तो देखो ये क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव फर्स्ट दिया हुआ है ना। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में एचसी वर्मा का बुक आपके पास होगा, तो मैं सिस्टमेटिक सॉल्व कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैनॉट इंटर इन टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वान्टिटीज इन विच एनी सिस्टम इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। आई मीन आपको क्या है, फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, और एक ऑप्शन में क्या है मोर देन वन क्वांटिटीज है, तो आपको ये इनको लिस्ट करना है कि कौन से जो सेट ऑफ क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में क्या है इंटर नहीं करते हैं, है ना, यही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट काउंट इंटर इन टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मैंने नोटबुक में ही बताया है, क्लास में बताया है कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन द रिजल्ट, ए मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस एज एन यू, एन इंटू एन क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। मैंने ये बताया था, है ना, वेयर एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज यूनिट, इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन वेरियस यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स में हम लिखे तो क्या होगा, है ना। इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा u, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्क्वायर ऑफ u, c ऑप्शन में क्या है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ u, एंड d ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा u, ठीक है। तो ये वन बाई वन क्या है हम देखेंगे, है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 क्वांटिटीज होते हैं, है ना, क्या होता है मास, लेंथ, टाइम, करंट, है ना, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो आप ये जितने भी देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपको देखना है कि कौन सा जो सेट है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट में इंटर नहीं कर रहा। ये चेक करना है कि किसमें जो है, सबसे पहले जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए मास, लेंथ एंड टाइम। तो सबसे पहले ये देखना है कि इन जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें क्या, किस कौन से ऑप्शंस में तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम नहीं है, है ना, वही जो होगा क्या होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देखो सबसे पहले हम देखें डायमेंशन वाइज हम जाएंगे डायमेंशन, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, तो ऑफ कोर्स इसका डायमेंशन क्या होगा एल होगा, मास का डायमेंशन कैपिटल एम होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एलटी माइनस वन होगा। तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, देन क्या होगा मास, लेंथ एंड क्या होगा टाइम, इसमें लेंथ भी है, मास भी है, और क्या है टाइम भी है। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखे लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, क्या है लेंथ है, टाइम है, एंड क्या है वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें आप देखोगे लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा एल होगा, ये भी करेक्ट है यार। टाइम का डायमेंशन देखोगे तो क्या होगा टी होगा, चलो ये भी करेक्ट है, फंडामेंटल क्वांटिटी कैपिटल टी। वेलोसिटी का डायमेंशन देखोगे
तो क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, एल टी माइनस क्या होगा, वन। तो इन तीनों में क्या है, आई मीन फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है यार, सेकंड ऑप्शन में देखोगे तो लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी दिया हुआ है। आई मीन इन तीनों में क्या है, लेंथ टाइम एंड मास, वेलोसिटी में कहीं मास नहीं आ रहा है, क्या है, कहीं मास नहीं आ रहा है ना, क्या है, कहीं मास नहीं आ रहा। उसी तरह तो ये जो है वो क्या है, डाउटफुल पॉइंट है, आई मीन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के, यही दिया हुआ है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, आई मीन ये जो है क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में नहीं आते हैं, है ना। लेंथ टाइम एंड क्या होगा, वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन है। मास टाइम एंड वेलोसिटी अगेन क्या होगा, देखो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन। तो इसको ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन इसमें मास भी है, टाइम भी है, लेंथ भी है, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी जा रहा है। इसमें आप देखेंगे इस सेट में लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी में, तो इसमें वेलोसिटी आ रहा है, टाइम आ रहा है, और सॉरी लेंथ आ रहा है, टाइम आ रहा है, मास नहीं आ रहा है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या दिया, लेंथ टाइम एंड मास, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट में आता है, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा, बी विल बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में, सेकंड क्या दिया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिर से मैं रीड कर देता हूं, ये फिजिकल क्वांटिटीज इज मेजर्ड एंड रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन इनटू यू, वेयर एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज यूनिट। इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स, देन आपको ये फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, चूज करना है। अब एक चीज तुम ध्यान रखना कि क्या होता है, या तुम प्रूफ भी कर सकते हैं यहां से, देखो फिर हम आते हैं यहां। जैसे मान लो कि न्यूटन हम लोग जानते हैं, वन न्यूटन इक्वल टू क्या होगा यार, देखो तो वन न्यूटन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन के जी, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वन मीटर इंटू क्या लिखेंगे, वन सेकेंड स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उसी तरह वन डाइन लिख दें, देखो वन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूटन क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिट, आई मीन ऐसा यूनिट में फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमने क्या माना है, वन यूनिट, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। उसी तरह डाइन, वन डाइन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वन ग्राम इंटू क्या होगा, वन सेंटीमीटर, है ना, इंटू क्या होगा, अगेन वन सेकेंड माइनस क्या होगा टू, आई मीन आप जानते हो, तो देखो तो वन न्यूटन अपॉन क्या होगा, वन डाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई थिंक 10 रेस टू क्या होगा, 5 आ जाएगा। यहां लिख सकते हैं, देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हुआ, 10 रेस टू 5 डाइन। तो देखो ये क्या हुआ, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू, आई मीन इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दिस इज क्या हुआ, यूनिट। ये देखो ये भी क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड दिस इज क्या हुआ, यूनिट। तो याद रखना है, देखो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, मेजर इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। देखो 1 इंटू एन इज इक्वल टू क्या होगा, 10 रेज टू 5 इंटू क्या होगा, 9। आई मीन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, आई मीन हम बोल सकते हैं कि एन इंटू यू इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट। ये बताया भी था कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स विल बी ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यू। क्या होगा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यू, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। सेकंड ऑप्शन क्या है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ यू।
थर्ड ऑप्शन क्या है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट है ना इज ऑलवेज क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे है ना, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भी अच्छा कर। सपोज ए क्वांटिटी एक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, सपोज ए क्वांटिटी क्वांटिटी एक्स कैन बी, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, थ्री है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, थ्री। एक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड क्या होगा, टी। एम एल एंड टी दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम के पावर ए एल के पावर बी एंड टी के पावर क्या होगा। ठीक है, द क्वांटिटी मास, द क्या होगा, क्वांटिटी मास, ए में दिया हुआ है। ऑप्शन देखो ए में क्या दिया हुआ है, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एल एंड क्या होगा, ठीक है, एल एंड एक्स एल एंड, ठीक है। सेकेंड जो ऑप्शन है वो क्या है, कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड, कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एल एंड, ठीक है। सी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मे बी रिप्रेजेंटेड, देखो मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एल एंड टी इफ ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ ए इक्वल टू जीरो। डी जो ऑप्शन दिया हुआ है, डी जो ऑप्शन दिया हुआ है, मे बी रिप्रेजेंटेड है ना इन टर्म्स ऑफ एक्स एल एंड टी इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एल एंड टी इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होगा ये। अब देखो क्या है क्वेश्चन, यहां से देखना है ना, क्वेश्चन समझ में आया कि एक्स कोई क्वांटिटी है जो डायमेंशनली मास लेंथ एंड टाइम है ना पे डिपेंड कर रहा है, कैसे दिया हुआ है, कैसे डिपेंड कर रहा है कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, एम के पावर ए इंटू क्या होगा,
एल के पावर क्या होगा, बी इंटू क्या होगा, टी के पावर क्या होगा, ठीक है। अब ये देखो कि कैन बी ऑलवेज, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एल, एक्स एल एंड टी। अब आप देखो कि एक्स क्या है, यहां से हम आते हैं, तुम देखो सबसे पहले क्या है कि एक्स एल और टी के टर्म में लिखने के लिए पहले तो इधर एम होना चाहिए, तो एम होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके पावर पे, है ना, क्या होगा उसके पावर पे क्या है डिपेंड कर रहा है। यदि पावर क्या होगा, यदि यही जीरो हो जाए क्या होगा, ये जीरो हो जाए, है ना, क्या हो जाए, यही जीरो हो जाए, तो हम m को x, l और t के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। तो सबसे पहले क्या है, कैन बी, अब हम आते हैं कि m यदि जीरो हो जाए, चलो ये c ऑप्शन से देखते हैं, या फर्स्ट ही ऑप्शन देख, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x, l एंड t, ये सही है क्या, देखो तो जब हम यहाँ क्या कर दें, a इक्वल टू जीरो लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा यार, x इज इक्वल टू क्या होगा, l के पावर b और t के पावर क्या होगा, यहाँ तो m आ ही नहीं सकता यार, इस टर्म में जब a हम जीरो कर दें, है ना, तो ये तो m कैंसिल हो गया, वैनिश हो गया, आई मीन एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो इसलिए पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x, l एंड t, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जब क्या हो जाएगा, a को हम जीरो कर देंगे तो इसमें रहेगा ही नहीं, आई मीन ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब a जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन से m क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, है ना, रिमूव्ड हो जाएगा, तो जब रिमूव्ड हो जाएगा तो फिर हम m को x, l एंड t के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन है, कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x, l एंड t, नहीं, ये भी m का वैल्यू चलो हम ले लें, क्या लिखते हैं, m का वैल्यू 1 लिख देते हैं यार, देखो तो m का वैल्यू, यदि हम सॉरी a का वैल्यू क्या लिख दें, a इक्वल टू 1 लिख लें, ऐसे ही कंट्रोल मेथड से, तो यहां हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, देखो तो ध्यान से, यहां हम लिख भी सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ x के पावर 1 / a अपॉन डायमेंशन ऑफ l के पावर b / a इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, t के पावर क्या होगा, c / a, ये लिख भी सकते हैं यार, ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, लिख सकते हैं ना, अब यहां देखो ए जीरो रख देंगे तो क्या है, पॉसिबल है क्या, ये जीरो रख दो, यहां से भी देख सकते हो, यदि ये हम जीरो रख दें तो ये पॉसिबल है यार, पॉसिबल नहीं है, है ना, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए यहां यदि मैं ए ए इक्वल टू 1 रख दूं, है ना, तो कैन नेवर बी डायमेंशन, नहीं ये गलत है ना, ए इक्वल टू 1 रख दो, तो देखो तो यार डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x, है ना, इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, l के पावर माइनस 1 इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, t के पावर माइनस 1, तो हमने तो लिख दिया है, तो कैन नेवर बी वाला है क्या, ये भी गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है, हाँ ये हो सकता है, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, x, l एंड क्या होगा, t, इफ x नॉट इक्वल टू क्या होगा, a, यदि x नट इक्वल टू क्या होगा, a होगा, सॉरी a नट x इक्वल टू नट, सॉरी हमने यहाँ गलत लिख दिया है, a नट इक्वल टू क्या होगा, a नट इक्वल टू 0, a यदि 0 नहीं होगा तो हम m को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x, l एंड t के टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, d होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, d होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, देखो ध्यान से, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी ये में दिया हुआ है, Never has a unit. Never has a unit. B में ऑप्शन में दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, ऑलवेज हैज ए यूनिटी, ऑलवेज हैज ए क्या होगा इसमें आपसे, यदि क्या होगा मोर देन ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन होता तो इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। सी में देखो अपोजिट कैसे पूछा जाता, यहां से तुम भी खुद से सोच सकते हो इसके अपोजिट क्या होगा। उसके बाद दिया हुआ है मे हैव ए यूनिट, क्या दिया हुआ है मे हैव ए यूनिट, इस क्वेश्चन को भी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, है ना। डी ऑप्शन में क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये फोर्थ का, अब देखो क्या है, मैंने बताया था बहुत सारे क्या है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो डायमेंशन लेस है तो कोई जरूरी नहीं है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लोग जानते हो कि ये क्या होता है, सी अपॉन क्या होता है, बी होता है। देखो ये क्या है, इसका यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन लेस है और यूनिटलेस क्वांटिटी है। उसके बाद स्ट्रेन भी बताया था, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन, आई मीन चेंज इन क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन क्या होगा, ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखो ये क्या है, चेंज इन डायमेंशन आई मीन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या है, दिस इज क्या है, यूनिटलेस, यूनिटलेस एंड क्या होगा, डायमेंशनलेस। और भी क्वांटिटी है डायमेंशनलेस, जैसे तुम पढ़ोगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी मैं बता दूं, कोएफिशिएंट coefficient of, I mean friction force, देखो ये क्या होता है, अगला example देख लो, friction force is, I mean F is equal to क्या होता है, new into N, इसको हम क्या पढ़ते हैं, coefficient of friction बोलते हैं, coefficient of friction। अब देखो ये भी क्या है, यहां से भी देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, नॉर्मल फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है, बाद में हम पढ़ेंगे, जस्ट देखो। तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, ये भी क्या होगा यूनिटलेस, एंड क्या होगा, दिस विल भी क्या होगा यूनिटलेस, एंड क्या होगा डायमेंशनलेस, ठीक है। लेकिन ये रहा हुआ कि क्या वो क्वांटिटी क्या है, यूनिटलेस है और क्या है डायमेंशन लेस। लेकिन यदि आप एंगल देखेंगे, एंगल है ना, या प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन क्या होता है, रेडियस, ये क्या होता है, एल अपॉन क्या होता है, देखो ये भी लेंथ हुआ, ये भी लेंथ हुआ, तो ये क्या हुआ, डायमेंशन लेस हो गया। तो ये क्या होता है, थीटा जो होता है वो क्या होगा, थीटा डायमेंशन क्या होगा, लेस होगा, बट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, रेडियन होता है ना यार थीटा। तो कोई जर्नी है, अब हम इतना एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, क्यों बताया, तो कोई भी क्वांटिटी क्या है, यदि क्या है डायमेंशन लेस है तो यूनिटलेस हो भी सकता है और क्या है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेवर हैज यूनिट, ये क्या गलत है, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन है ना, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, डायमेंशन लेस है, लेकिन ये क्या है, यूनिटलेस है। लेकिन यदि हम एंगल की बात करें, आइदर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो क्या है, डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। तो कोई भी क्वांटिटी यदि डायमेंशन लेस है तो यूनिटलेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ऑलवेज हैज यूनिट, ये भी गलत है यार,
क्योंकि देखो तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, ईवी है तो ईवी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। मे हैव ए यूनिट, ये करेक्ट ऑप्शन है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि इस इलस्ट्रेशन से आपको ये मालूम चल जाएगा। और डी जो दिया हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या है, गलत है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी क्या है, गलत है। ये सब तो डायमेंशनलेस ही क्वांटिटी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। देखो जो भी इस एक्सप्लेनेशन में तुमको कुछ भी डाउट भी हो तो तुम अगेन मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन देखो, कि ए यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी ए में देखो क्या दिया हुआ है, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। क्या है, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, देखते जा रहा था, है ना। अभी मैंने एग्जांपल दिया है, उसी से सोचो। अरे इसकी पहले फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बताया गया है, उसको सोच सकते हैं। दूसरा दी ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो, क्या होगा, ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डेमेज। ठीक है, सी में देखो मे हैव नॉन जीरो डेमेज, मे हैव क्या होगा, नॉन जीरो, मे हैव नॉन जीरो। ऑप्शन से जाओ, सबसे अच्छा है जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, कोशिश करो, है ना। तो अभी ए दिया हुआ है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो देखो यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत है यार। अभी हमने देखा था, है ना, कि क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या है, ये गलत है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। अभी तो हमने देखा था कि कोएफिशिएंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, स्ट्रेन हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ, ये सभी क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं यार, तो ये वाला क्या है, गलत है। अब दिया हुआ मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, अभी हमने देखा था कि जितने भी क्या है सबका डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है कि मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, जैसे सिंपल एग्जांपल आप देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन जब लिखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो तो सी अपॉन क्या होता है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, आप तुम पढ़े हो। तो यहाँ देखोगे कि ए क्या है, यूनिटलेस है, तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यूनिटलेस क्वांटिटी जो है इसमें देखो ए यूनिटलेस है, डायमेंशन भी क्या है, जीरो है, नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, ये क्या है, गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, कि कोई भी क्वांटिटी यदि डायमेंशन लेस हो, सॉरी यूनिटलेस हो, तो उसमें क्या हो, डायमेंशन जो उसका हो क्या हो, डायमेंशन मे और मे नॉट बी जीरो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऑलवेज आप कोई भी क्वांटिटी, आप और भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिख करके चेक कर सकते हो, ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ये भी क्या है, गलत है, ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ये भी क्या है, गलत है। देखो इसमें जीरो है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, है ना, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, आई मीन कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं हो सकता है, आई मीन एम एल और टी का पावर जो होगा कभी जीरो, कभी क्या है, नॉन जीरो नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऑलरेडी मैं इसके पहले लेक्चर में
क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है टाइप 2, आई मीन सेकंड ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव पे हम आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सेकंड। इसमें याद रखना है मोर देन वन ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट, ये सोच। अब ऑब्जेक्टिव सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, ये तुम सोच करके बताना कि दिया हुआ है कि द डायमेंशंस, द डायमेंशंस, ठीक है, एम एल क्या दिया हुआ है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 में रिप्रेजेंट, मे रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट्स ए में देखो वर्क डन बाई ए फोर्स, आई मीन वर्क का डायमेंशन। बी में क्या दिया हुआ है? लीनियर मोमेंटम, इसको पी से हम डिनोट करते हैं, बताया हूं, प्रेशर डी में क्या है? वर्क डन पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब 1 by 1 देखो ये क्या है, मोर देन वन ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो हम सबका डायमेंशन क्या करेंगे, अलग अलग लिखते जाएंगे। तो अब यदि डायमेंशन आपको मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन। देखो तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या हो जाएगा, टी। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, पॉसिबल नहीं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन, अब देखो डायमेंशन ऑफ पी यदि आज लिखोगे तो डायमेंशन ऑफ मास आई मीन एम, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, वन। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट नहीं, बी भी नहीं होगा। अब आते हैं क्या, प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, सी ऑप्शन देखो, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन क्या होगा, एरिया। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन क्या होगा, एरिया। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर ये भी क्लास में बताया हूं, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या होगा, एल स्क्वायर। तो इसको जब लिखोगे तो क्या आएगा, एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सबका क्या होता है, सेम होता है। तो देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क, है ना। अब देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एनर्जी के डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या होगा, अब ये सबका डायमेंशन दे, इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है, आई मीन सी एंड डी जो है क्या है वो करेक्ट ऑप्शन, आई मीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है वो क्या है, सी एंड डी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है करेक्ट ऑप्शन होगा। ये समझ में आया, तो सबका डायमेंशन हमने लिखा और फिर उसे देखा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है, तो हमेशा क्या है जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच करो तो कोशिश करो ऑप्शन से जाने के, है ना, हमेशा ऑप्शन से जाओ। उसके बाद दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चूज द करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, देखो क्या क्या दिया है तुम बताना सोच करके, है ना, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ठीक है, मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट, बी ऑप्शन देखो, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ए डायमेंशन, ये क्या कहां से क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन लिया गया है। पहला एप्लीकेशन क्या था कि डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू वेरीफाई वेदर द फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड है ये डायमेंशनली करेक्ट करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, मे बी इन करेक्ट ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन देखो कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, मे बी, अब जब से ही क्वेश्चन आपके सामने आया है तो आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ढूंढो, है ना, एग्जाम्पल ढूंढो कि नहीं कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, दोनों वे से सोचो, एक इक्वेशन लिखो जैसे s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, कितने फिजिकल रिलेशन है जिसको आप यूज करके चेक कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद दिया हुआ है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली इन करेक्ट इक्वेशन मे बी क्या होगा, मे बी इनकरेक्ट, मे बी इनकरेक्ट ठीक है। अब हम आते हैं क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट हो सकता है, एग्जाम्पल देखो तुम, देखो पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, या देखो इधर अभी मैंने लिखा था पी इक्वल टू एम वी, है ना, और एक इक्वेशन ये हुआ और दूसरा इक्वेशन हुआ पी इक्वल टू वन बाई टू एम वी, देखो ये क्या है डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली करेक्ट है, इसका डायमेंशन लिखो तुम पी का डायमेंशन इधर एम वी का, ये समझ में आया ना, कोई भी इक्वेशन देख लो जैसे देखो ये क्या है दिस इज क्या है डायमेंशनली डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली करेक्ट, ठीक है इसको देखो तो ये क्या है डायमेंशनली क्या है, अरे इधर p इक्वल टू वन बाई टू एम वी, पी क्या है लिनियर मोमेंटम है याद रखना, ये क्या है लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम
I mean linear momentum associated with any object कितना होता है, p equal to mv होता है। तो ये देखो, ये mass और velocity, तो ये dimensionally क्या है? कि ये वाला जो है क्या है, dimensionally correct है, but physically क्या है? फिजिकली करेक्ट नहीं। समझ में आया ना? तो पहला ऑप्शन ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी क्या होगा, करेक्ट हो सकता है। देखो तो जैसे ए डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली भी क्या है, करेक्ट हो सकता है। तो पहला ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। मे भी दिया हुआ है, ऑलवेज नहीं दिया हुआ है कि ऑलवेज, मे दिया हुआ है तो हो ही सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इस एग्जाम्पल से ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी क्या होगा, इनकरेक्ट, ये भी हो सकता है। देखो p इक्वल टू 1 बाई टू एम बी, ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली क्या है, डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, फिजिकली क्या है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। अरे क्यों? क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी है, 1 बाई टू नहीं आएगा। यदि 1 बाई टू नहीं होता तो ये फिजिकली, और तो यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या है कि कोई भी यदि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करंट हो भी करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये भी करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, में भी करेक्ट और इनकरेक्ट का मतलब क्या होगा, फिजिकली करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ देखो, अब हम आते हैं ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये कभी पॉसिबल नहीं है। कोई भी इक्वेशन यदि डायमेंशनली, मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन यदि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो फिजिकली करेक्ट कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, ये गलत होगा, ये पॉसिबल, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी क्या होगा, करेक्ट, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद ये दिया हुआ है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी क्या होगा, इनकरेक्ट। इसको कैसे सोचेंगे बता सकते हो? यही है ना लास्ट ऑप्शन क्या दे, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। क्या है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी क्या होगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो भी सकता है और क्या होगा। इसको कैसे सोचेंगे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, देखो क्या है ये, अरे डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, वो इनकरेक्ट होगा या नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। याद दिया भाई, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी क्या होगा, इनकरेक्ट। डायमेंशनली जो इनकरेक्ट इक्वेशन होगा वो क्या होगा, में भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जितने भी देखो तुम ध्यान से कि जितने भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं उसका हम एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, है ना, कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी क्या होगा, इनकरेक्ट, और में भी क्या हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। जैसे तुम ले सकते हो क्या हुआ, स्ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, अभी मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। तो यहाँ क्या है, कोई भी यदि इक्वेशन क्या है डायमेंशनली, है ना, और भी तुम देख सकते हो कि डायमेंशनली क्या है, कुछ कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिसको डायमेंशन एनालिसिस से हम फाइंड आउट नहीं करते हैं। जैसे मैंने ये बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल इसको, इसका एग्जांपल देखना तुम कि ये क्या होगा। तो डायमेंशनली यदि कोई भी करेक्ट है तो इनकरेक्ट हो भी सकता है और क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायमेंशनली यदि इनकरेक्ट इक्वेशन है तो मे भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ये समझ में आया आपको? हो भी सकता है ना यार, जैसे मैं यहां लिख दूं, देखो ध्यान से कि ये क्या है, जैसे फोर्स इक्वल टू क्या लिख दूं, मास इनटू क्या लिख दूं, टाइम। ये क्या है, फोर्स का डायमेंशन और ये क्या है, मास इनटू, तो डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट हुआ और फिजिकली भी क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। इसलिए समझ में आया ना, तो लास्ट का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आई थिंक सेकंड जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए बी एंड क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, आई मीन भी क्या होगा, करेक्ट, ठीक है।
और इसका में भी दिया हुआ है, तो जितने भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं, ठीक है, अरे जिनका हम डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो जितने भी डायमेंशनली क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट होंगे। देखो यार, एम क्या होगा, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो, जैसे मान लो कि कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डायमेंशन से हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये फिजिकली करेक्ट है ना, कि सी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एन इक्वल टू क्या होगा, सी बाई डी, लेकिन इसको बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम इसको डिराइव नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इस एग्जांपल से क्या है कि डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है ना, लेकिन फिजिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसलिए दिया हुआ है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी क्या होगा, इनकरेक्ट, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, है ना। तो फिजिकली भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डायमेंशनली क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ, है ना। तो हम बोल सकते, आई मीन डायमेंशनली क्या है, ये इसका डायमेंशन भी जीरो है और डायमेंशन जीरो है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अगला जो एग्जांपल है वो देखो, थर्ड नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल क्वांटिटी में भी क्या होगा, रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। इसको क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना, खुद से भी ट्राई कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मैं बता देता हूँ, ऑल क्वांटिटीज में भी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तुम खुद से पढ़ोगे तो आ जाएगा। उसके बाद बेस क्वांटिटी कांट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। मास को लेंथ टाइम के टर्म में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर जो ऑब्जेक्टिव सेकंड है उसको तुम खुद से ट्राई कर लेना, है ना। उसके बाद हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उससे बेस किए, जैसे देखो एक्सरसाइज में क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन से, है ना, एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर लेना, है ना। अब एक्सरसाइज क्या दिया हुआ, एक्सरसाइज है ना। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं, है ना, और तुम खुद से ट्राई करना। दिया हुआ है कि टेकिंग फोर्स, क्या दिया हुआ है, टेकिंग फोर्स, फोर्स ठीक है, टाइम एंड लेंथ, क्या है, लेंथ, फोर्स, लेंथ एंड, है ना, टाइम एज फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ठीक है, फाइंड, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ए में क्या दिया हुआ, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, बी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पहले लिख देता हूं, प्रेशर, ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मोमेंटम, और डी जो है क्या है, एनर्जी, ठीक है। आई मीन अब देखो क्या है, डेंसिटी, अब मैंने ये बताया था, आई मीन ये कौन सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये क्वेश्चन दिया गया, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या होता है, कि क्या करना, गिवन फिजिकल रिलेशन को क्या करना, डिराइव करना, है ना, क्या करना, गिवन फिजिकल इक्वेशन को डिराइव करना या फाइंड आउट करना। अब देखो दिया हुआ है कि हमने क्या फोर्स, लेंथ एंड टाइम को क्या किया है, फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया, जैसे हम क्या करते थे, मास, लेंथ एंड टाइम को हम यदि फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करें तो हम डायमेंशन कैसे लिखते थे। तो यहाँ क्या है, फोर्स को हमने क्या किया, डेंसिटी को हमने क्या किया, आई मीन सॉरी फोर्स, लेंथ एंड टाइम, आई मीन मास के जगह हमने क्या कंसीडर कर लिया, फोर्स, फोर्स को हमने यदि फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया
तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? तो हम डेंसिटी का डायमेंशन अब किसके टर्म में लिखेंगे? फोर्स लेंथ एंड टाइम के टर्म। अब मुझे मालूम नहीं है कि फोर्स का पावर क्या होगा यार डायमेंशन लिखने वक्त, लेंथ का पावर क्या होगा, टाइम का पावर क्या होगा, तो हम क्या मान लेंगे? सब का पावर एक्स वाई जेड, आई मीन फोर्स का पावर एक्स, टाइम का पावर, लेंथ का पावर वाई, और टाइम का पावर क्या मान लेंगे? जेड मान लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स के पावर एक्स इंटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ के पावर वाई इंटू डायमेंशन ऑफ टी के पावर क्या होगा, जेड। समझ में आया क्या? हमने मान लिया क्योंकि आपको किसके टर्म में लिखना है, फोर्स लेंथ एंड टाइम के टर्म। अब डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इधर लिखेंगे, अब सबका डायमेंशन लिखेंगे, तो एम एल टी माइनस, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम एल माइनस थ्री टी रेस टू क्या होगा, जीरो। फोर्स का डायमेंशन लिखो, तो एम एल टी माइनस क्या होगा, टू के पावर एक्स। लेंथ का डायमेंशन तुमको मालूम ही है, और टाइम का डायमेंशन क्या है, इसको यूज करके एक्स वाई जेड का हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट। तो देखो, तो यहाँ एम एल के पावर माइनस थ्री टी रेस टू जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एम के पावर एक्स, एल के पावर क्या लिख सकते हैं, देखो इधर भी आप लिख सकते हो ऐसे, एम एल का पावर क्या लिख सकते हैं, देखो एल के पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, जेड इंटू टी के पावर क्या हो जाएगा, टी के पावर जेड माइनस क्या हो जाएगा, अरे यही होगा ना। अब दोनों तरफ से पावर को इक्वेट कर दो, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वन है ना, उसके बाद जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जेड इक्वल टू टू है ना। हमने एल के पावर गलत लिख दिया क्या, एल के पावर सॉरी जेड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वाई, ठीक है यार, है ना, तो है ना, ओ हमने यहाँ 2x होगा ना, ठीक है, तो जेड माइनस क्या हो जाएगा, 2x। देखो m के पावर x, t के पावर l के पावर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और t के पावर माइनस 2x प्लस जेड, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हुआ, 1 हो गया, है ना। दूसरा लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, है ना, और तीसरा लिख सकते हैं z माइनस 2x इक्वल टू 0, आई मीन z इक्वल टू क्या होगा, 2x, आई मीन कितना हो जाएगा, तो z इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, और x का वैल्यू रखो यहाँ, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 माइनस, सॉरी y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 माइनस x, आई मीन कितना हो जाएगा, माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से मालूम चल गया, देखो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या हुआ, y इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 4, एंड z इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू रख दो यार। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, मास टाइम और लेंथ के टर्म में, देखो रो डायमेंशन ऑफ रो इज इक्वल टू एफ का एफ, ठीक है, एल का पावर क्या है, माइनस 4 है ना, है ना, एल का पावर क्या होगा, आई मीन माइनस 4, और टी का पावर क्या है, 2, तो टी के पावर क्या हो जाएगा, यही क्या होगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सही लिखा क्या, एफ एल टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक साथ लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एल के पावर माइनस 4 टी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू देखो अगेन क्या लिखेंगे, पी डायमेंशन ऑफ पी, बी लिख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स के पावर एक्स, डायमेंशन ऑफ लेंथ के पावर वाई, डायमेंशन ऑफ टाइम के पावर क्या होगा, जी, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि फोर्स का पावर क्या होगा, लेंथ का पावर क्या होगा, टाइम, यही तो एक्स वाई और जेड क्या है, डायमेंशन हुआ, पावर प्रेशर का जो डायमेंशन होगा फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स, लेंथ के रिस्पेक्ट में वाई, और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करना है, अगेन क्या करना है, दोनों तरफ मुझे डायमेंशन लिखना है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो देखो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एम एल टी
माइनस टू के पावर x है ना, l के पावर क्या होगा y, और t के पावर क्या होगा माइनस t के पावर z, ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं m के पावर x, ठीक है, l के पावर x प्लस y, ठीक है, और t के पावर z माइनस क्या लिखेंगे 2x। अब क्या करो, पावर इक्वेट कर दो, तो m l माइनस वन टी माइनस क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां से भी x इक्वल टू वन है ना, अगेन x प्लस y इक्वल टू माइनस वन, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस टू, x का वैल्यू रख दो यहाँ, ठीक है, और z माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टू, तो z इक्वल टू क्या होगा माइनस टू प्लस टू एक्स, आई मीन क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिला, x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू माइनस टू एंड z इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा F, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा L के पावर माइनस टू और t रेस टू क्या होगा जीरो। तो सिंपल लिख सकते हैं कि F L के पावर माइनस टू, ऑफकोर्स यही होना चाहिए, ठीक है, फोर्स अपॉन क्या होता है एरिया होता है। उसके बाद क्या लिखना है, मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ सी में क्या दिया हुआ है, मोमेंटम, मोमेंटम आई मीन पी, तो पी इज डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स के पावर एक्स, लेंथ के पावर वाई एंड टी के पावर क्या होगा जेड, ठीक है। अगेन इसका डायमेंशन लिखो, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, याद होना चाहिए, तभी मैंने बताया कि यहाँ डायमेंशन याद नहीं है, और डायमेंशन आप नहीं लिख सकते हो तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन से जाओ, फिर क्या करो, ऑप्शन से जा सकते हो है ना, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट तो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी का डायमेंशन मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस क्या होगा वन इज इक्वल टू, अगेन लिखोगे एम एल टी माइनस टू इंटू एक्स एल स्क्वायर एल आई मीन एल के पावर क्या होगा वाई इंटू टी के पावर क्या होगा जेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगेन देखो एम एल टी माइनस क्या होगा वन इज इक्वल टू क्या होगा एम के पावर एक्स है ना इंटू क्या होगा एल के पावर एक्स प्लस वाई इंटू टी के पावर क्या हो जाएगा टी के पावर जेड माइनस टू एक्स, ठीक है। यहाँ से अगेन x इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, l इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो x प्लस y इक्वल टू वन, तो x आई मीन y इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, और z इक्वल टू देख लो z माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो z इक्वल टू टू एक्स माइनस वन आई मीन क्या हो जाएगा वन। तो यहाँ x इक्वल टू वन y इक्वल टू जीरो z इक्वल टू क्या हुआ, तो जब लिखोगे तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ F इंटू क्या लिखोगे F इंटू टी, ठीक है, आई मीन फोर्स इंटू क्या हो जाएगा टाइम के टर्म में क्या होगा आएगा। उसी तरह एनर्जी क्या लिखोगे तो क्या होगा फोर्स इंटू क्या होगा L के टर्म में आएगा, क्या होगा L के टर्म में आएगा। तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, देखो क्या होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है बता देता हूँ, यदि तुमको कोई भी इसमें क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट एक्सप्लेन करने के बाद भी यदि कोई चीज़ फिर से प्रॉब्लम है तो आप फिर से पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, डाउट पूछने के लिए कोई हेजिटेशन नहीं करना है ना, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर क्या है आई मीन 13, सरफेस टेंशन ऑफ क्या होगा वाटर, ठीक है, वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नहीं पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो, गलत बोल दी, तो ये दिया कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट,
कन्वर्ट इट इनटू क्या होगा एस आई, ठीक है। अब देखो सरफेस टेंशन क्या होता है इसको, इसके बाद तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। सरफेस टेंशन आई मीन सिग्मा या एस से भी लिखते हैं, इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहां से फोर्स अपॉन लेंथ आई मीन इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखो वन क्या होगा इसका डायमेंशन लिख दो, तो सिग्मा आई मीन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो वन न्यूटन पर, या ऐसे लिख सकते हैं, देखो सिग्मा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा एम, ठीक है, एल रेस टू जीरो टी रेस टू क्या होगा माइनस। अब यहां से लिख सकते हैं वन न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, तो न्यूटन में क्या होगा मास क्या होगा यार, वन केजी होगा, है ना, तो वन केजी, ठीक है, इनटू लेंथ तो कैंसिल हो गया, वन सेकेंड के पावर क्या होगा माइनस वन न्यूटन मीटर। उसी तरह आप लिखेंगे कि वन डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा वन ग्राम इनटू क्या होगा वन सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में सरफेस टेंशन में जो का जो रिलेशन होता है वो आ गया। यहाँ क्या लिखोगे वन न्यूटन पर मीटर अपॉन वन डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो वन केजी डिवाइडेड बाय क्या होगा वन ग्राम, यही होगा ना यार। तो इसको लिख सकते हैं वन केजी को टेन रेज टू थ्री ग्राम अपॉन वन ग्राम कैंसिल हो गया, तो वन न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू क्या होगा टेन रेज टू थ्री डाइन पर सेंटीमीटर, तो वन डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा टेन रेज टू माइनस थ्री न्यूटन पर मीटर। तो यहां से वन न्यूटन के कोरस्पॉन्ड वन डाइन के कोरस्पॉन्ड वन डाइन पर सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डेंस क्या हुआ आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है 27 क्या दिया हुआ है 72 तो यहां लिख सकते हैं 72 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 न्यूटन पर मीटर, और कितना हो जाएगा 0.027 न्यूटन क्या हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और भी जितने न्यूमेरिकल्स हैं आप खुद से क्या करना इसमें अच्छी वर्मा का आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो खुद से, और जो नहीं आता है आप मुझसे पूछ लेना। और भी कुछ क्वेश्चंस हो है जो कल आप इसके बाद वाले लेक्चर में मैं एच सी बारो में और भी 3, 4, 5 न्यूमेरिकल्स हैं जो बताना चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही है ना, ओके थैंक यू।